ये देखिए सानवी का स्कूल का ड्रेस सिला के आ गया है। ये शर्ट हाफ शर्ट है, गर्मी में अलग शर्ट चलता है यहाँ पे और ठंड में अलग शर्ट है। तो यहाँ पे दो शर्ट सानवी के लिए सिला के आ चुका है। और ये है स्कर्ट, देखिए अब पता नहीं पहन के कैसी लगेगी, मैं आपको दिखा दूंगी। तो बहुत दिन के बाद आया है ये सिला के, अच्छा लगेगा ये ड्रेस। ये ब्लैक नहीं है, पता नहीं कौन सा कलर इसको बोलेंगे। और गर्मी में जो है, ठंडा में जो है वाइट शर्ट ही है, लेकिन ये जो पट्टी है ना, ये ब्लू पट्टी, ये कुछ नहीं है, सिंपल वाइट शर्ट ही है। और ठंडा में ये पट्टी वाली मतलब कॉलर, ये ब्लू वाली लाइनिंग करके, और ठंडा वाला शर्ट में सिंपल शर्ट है। तो मैंने इसको इसी बार नाम लिखाया था, तो ये अभी पहले गर्मी वाली ही सिलाई हूँ, अब ठंड आएगी तब ठंड वाली सिलाऊंगी। आज मैंने सानवी को दिया है खीरा, ड्रैगन फ्रूट और केला और ये ऑरेंज। ये सानवी का फेवरेट है ये सब, तो उसको मैं ज़्यादातर फ्रूट ही देती हूँ। इतना से उसका पेट भर जाता है क्योंकि वो ज़्यादा नहीं खाती है, तो फ्रूट में ही देती हूँ। क्योंकि आते आते शाम हो जाती है तो फ्रूट शाम में नहीं दे पाती हूँ, तो दिन में मैं उसको ज़्यादातर यही देती हूँ, फ्रूट में ही, फ्रूट ही देती हूँ। और अंगूर, अंगूर भी देती थी लेकिन अभी फिनिश हो गया था अंगूर। इसके पापा केक, ना किसी का बर्थडे है, ना किसी का बर्थडे है, ना कुछ है, बस सानी बोली पेस्ट्री लाने के लिए ला दिए हैं केक। बोलते नहीं है कि, बोल रहे हैं ये सस्ता पड़ता है केक, बस एक और बेटी को बोलना चाहिए क्या खाएगी, तुरंत ला देते हैं। एक केक आया है ऐसे ही खाने के लिए। मैंने बनाया है आलू पराठा और डुगू खाने के लिए बैठा हुआ है, उसको जल्दी जल्दी खाना है, उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। देखिए वो खुद ही खा रहा है, गर्म है अभी। मैंने इस शेप में काट दिया है ताकि उसको खाने में आसानी हो। और देखिए खाने के लिए कितना उतावला हो रहा है, बहुत ज़ोरों से उसकी भूख लगी हुई है। देखिए पकू पकू है डुगू, पकू पकू है, तो वो खा लेता है ये पराठा, आलू का पराठा भी खा लेता है, सारी चीजें भी खा लेता है। देखिए देखिए फिर खाने के लिए कैसे कर रहा है, अभी गर्म है, मुझे गर्म लग रहा है, उसको कैसे नहीं गर्म लग रहा है। देखिए मैं उसको ऐसे पीच के देती हूँ, ऐसे दाब के, मुझे गर्म लग रहा है। देखिए वो खाने के लिए कितना उतावला हो रहा है, देखिए वो खुद ही आके खाएगा। लो गर्म है, लो देखिए कैसे खा लेता है वो। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ उत्पम, सूजी की उत्पम। तो देखिए इसकी सब्जी मैंने सब काट ली है और यहाँ पे सूजी को मैंने फूलने के लिए रख दिया है। दही में दही थोड़ा डाल के और पानी में घोल के इस तरह का बैटर बना लिया है। इसमें थोड़ा और पानी पड़ेगा। और जो ये हरा हरा देख रहे हैं ये धनिया पत्ता है, और इसमें मैं नमक डाल दूँगी, अभी नहीं डाली हूँ। तो ये मैं अभी सानवी आएगी तब बनाऊंगी, अभी वो स्कूल से नहीं आई है। और मेरे बर्तन सब देखिए ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैंने अभी नहीं धोए हैं। देखिए यहाँ पे सारे बेसन ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो मैं अभी धोऊंगी थोड़ी देर में। तब तक ये फूल रहा है, मैं धो रही हूँ। और डुगू को देखिए यहाँ क्या कर रहा है, बदमाशी देखिए यहाँ पे कितना बदमाशी कर रहा है। पूरा कपड़ा इधर उधर, पूरा सामान इधर इधर फेंक फेंक देता है, बच्चा का काम ही यही है। अभी सो के उठा है तो मैंने इसको खिला दिया है खाना, अब ये खेल रहा है मस्ती में। अब दीदी इसकी आएगी तो दीदी के साथ खेलेगा, तब तक मैं नाश्ता भी बना दूंगी। क्या क्या चीज खरीदा के आई है? चुप्पा चुप्स, अनी एक बार चुप्पा चुप, चुप्पा चुप्स, अनी हैप्पी डेंट। सनू का दांत खराब है इसलिए लाई है। सनू का जी स्कूल कैसा था? आज शाम एक खा लेती है। और सनू फर्स्ट टाइम ड्रेस पहन के आ गई, ड्रेस का क्या हाल की है देखिए। ये मैं दरी जा रही हूँ चेंज करने, यहाँ पे ये ऐसे उठा हुआ है दरी, डुगुर धपाक धपाक गिरता है, तो मैं इसको उस साइड रखूंगी तो ठीक रहेगा, ठेस मुझे भी लग जाता है, यहाँ थोड़ा सा उठा हुआ है।
और देखिए दरी ये चेंज करने वक्त कितने सब परेशान करते हैं। डुगू को देखिए वो कैमरा देख के कैसे करता, देखिए एक बार डुगू नहीं हट रहा था तो मैंने उसको कैसे हटा पटा के भगाया है, वो हट ही नहीं रहा था, खेल रहा था। और एक बार फिर सानी भी देखिए कितनी बदमाशी करने लगी, फिर सानी बदमाशी करने लगी। तो ये दरी है ना बहुत भारी है बाप रे, मतलब चेंज करने में तो होता ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा भारी है। तो ये ठक्कर के चलते मैंने चेंज किया है, मैं इसको झाड़ती नहीं हूँ, बस वैक्यूम चलाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा भारी है, मुझसे अकेले उठेगा भी नहीं, इतना ये भारी है। सो तो मैंने चेंज कर दिया आप ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, तो उसके लिए मैंने बैटर में नमक डाल दिया है, और आपको अगर पूरा नहीं बनाना है तो आप हाफ रख सकते हैं और हाफ में नमक मिला सकते हैं। और ये मैंने ये सब काट दिया है, मसाला सब देखे ही थे आप। उसके बाद मैं तवे में थोड़ा तेल डाल दूँगी, फ्लेम को मीडियम पहले गर्म कर लेंगे, फिर थोड़ा आँच कर देंगे, पूरा फुल नहीं रखेंगे। और फिर मैंने थोड़ा आँच कर दिया है, उसके बाद मैं इसमें बैटर डाल रही हूँ, थोड़ा इसको इसका थोड़ा मोटा ही रखें, ज़्यादा पतला ना करें डोसा की तरह, ताकि इस पर ना सो जितने में ये दूंगी ना मसाले मतलब भेजीज, तो ये इस पर चिपक जाएंगे। तो एक एक करके मैं सारे भेजीज डाल देती हूँ मिर्ची छोड़ के, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ अभी सानवी के लिए, तो ये डुगू भी खा लेता है क्योंकि ये सारे सीजे हुए रहते हैं और सॉफ्ट भी रहते हैं। तो ऐसा आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, तो मैं सानवी के लिए नहीं बनाती हूँ मिर्च वाला, तो डुगू भी खा लेता है, तो ये तो मेरे लिए डबल प्रॉफिट हो जाता है। और सब बेसिस डाल के मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और थोड़ा ऐसे से दबा दे ताकि ये छोलनी से ताकि ये चिपक जाए उसी में। तो फिर मैंने इसको 5 मिनट तक झांप के रख दिया था ताकि ये बेसिस जो है सॉफ्ट पड़ जाए। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा तेल डाल के और इसको ऐसे उल्टा देना है, अब इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो ये हटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने और ऐसे कर दिया, आप नॉन स्टिक तवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ लोहा का तवा का, मुझे मेरे पास है नॉन स्टिक तवा लेकिन मुझे लोहा का वाला तवा का पसंद है खाने का, तो इसी के लिए मैं इसी पे बनाती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैंने तेल भी रख दिया है, तो ये भी हट नहीं रहा था लेकिन तब भी हट गया है। और देखिए ये थोड़ा ऐसा लग रहा है आपको काला, लेकिन ये अच्छा लगता है खाने में, स्मोकी टेस्ट जैसा आता है। और फिर ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे उसी प्रोसेस से मैं बना रही हूँ, बाकी मैं इसमें मिर्च ऐड कर रही हूँ। देखिए सब वेजीज को डाल के मैंने ऐसे चिपका दिया है और फिर इसको झाँप दिया है, और देखिए ये सानवी का तैयार है, मैंने इस तरह से काट दिया है। तो देखिए और देखिए यहाँ सीज भी चुका है, ये देखिए भेजिस कितने से सीज चुका है, तो ये क्रंची भी अच्छे लगते हैं, उतना ज़्यादा सिझाना भी नहीं है। फिर मैंने उसको उसी तरह से काट लिया है और तब चलते हूँ। और देखिए ये मेरा चटनी भी तैयार है, ये चटनी टमाटर और पीनट की है, मतलब चिनिया बादाम की चटनी है। और हम लोग का नाश्ता हो चुका था, तभी मैंने देखा ये आर्मी वाले को शायद ट्रेंड कर रहे थे, ये मेन ऑफिसर शायद है ट्रेंड करने वाले, तो हम लोग की गली से गुजर रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ले लेती हूँ वीडियो, अच्छा लगेगा। तो देखिए कैसे ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी सब भर्ती करने वाला जो ऐसे है ना, तो हम लोग के घर के बगल में ही है, तो ऐसे ही बराबर जाती ही रहती है, रैली निकलती ही रहती है उन सब की।